अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? हरियत से ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ हरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, हरियत से हूँ। अच्छा तो शुरू करते हैं जी। हमारा जो ये थी वीडियो, इसका जो टाइटल है वो है इन शॉर्ट डंकी। वह बेसिकली डंकी है क्या? उसमें जो हम लोग लास्ट वाली वीडियो में जो तुर्की पहुँचे थे, तो तुर्की से आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले सब भाइयों का बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। वीडियो उसमें अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी काम की तलाश है। काम शाम अगर मिल जाए और काम करते रहेंगे साथ साथ, तो साथ साथ बाकी मामलात भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। वीडियोस बनानी है तो बस, अगर किसी भाई को इस चीज़ का गिला है तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, अब आगे से कंटिन्यू करते हैं कि हम पहुँचे थे तुर्की। तुर्की जब बंदा तोगो ब्यास पहुँच जाता है तो उसके बाद उसकी वो पेमेंट्स वगैरह करवाते हैं एजेंट्स, तो उसको फिर वो बस की टिकट लेके देते हैं। उसके बाद उसको जो है वो इस्तांबुल के लिए रवाना कर देते हैं। इस्तांबुल के लिए रवाना करने के बाद तकरीबन वो ना 15-16 घंटे का सफ़र होता है। 15-16 घंटे का सफ़र होता है। उसके अंदर भी एक डेवो के अंदर, एक बस के अंदर उन्होंने स्पेशल वो बस करवाई होती है कि उसके अंदर तकरीबन भी जब हम आए थे तो हमसे पहले लोग इजी भी आए हैं, एक एक बंदा बैठ के एक एक सीट पे। लेकिन जब हम आए थे तो तकरीबन एक बस के अंदर 100 बंदा था, वो भी ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे सीट्स होती हैं उसके अंदर। और खड़े होके एक दूसरे के साथ ना ऐसे चिपके हुए थे, या कि खड़े हो भी तंग थे, मतलब हिल नहीं थे सकते। एक पाँव, मैंने पहले भी बताया, एक पाँव उठाते थे और दूसरा पाँव वो दोबारा से वो पाँव अपने नीचे नहीं रख सकते थे, कि इस तरह उसमें हालात जो है वो ख़राब होते हैं। और कुछ बंदे तो वो बिठाते हैं उसके अंदर ऊपर और सीट्स वाली जगह पे, और बाकी के बंदे जो हैं वो नीचे डिक्की खोल के, बस की डेवो की डिक्की देखी होगी दोस्तों ने, वो डिक्की खोल के उसके अंदर घुसा देते हैं। उसके अंदर भी ऐसे नहीं घुसाते, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे प्रेस करके, जैसे सामान होता है उसको प्रेस करके रखते हैं ना, वैसे एक दूसरे के साथ बंदे, मतलब इतने क्लोज के सांस लेना भी मुश्किल होता है। और 15-16 घंटे का सफ़र विदाउट नॉन स्टॉप वो करना कोई मतलब ऐसे तो नहीं हो जाता। तो बहुत सारे बंदे अंदर से घबरा जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे बस ना ये आखिरी सफ़र है ज़िंदगी का। तो उसके बाद जब आप इस्तांबुल पहुंच जाते हैं, इस्तांबुल वो एक अड्डा है, बस अड्डा, वहाँ पे रात के टाइम पे मतलब जब बंदे ना हो, कोई कोई चीज़ ना हो देखने वाली, सिक्योरिटी ना हो, तो वहाँ पे वो अनलोड कर देते हैं बस, बंदे उतार देते हैं। और वो वहाँ से उतार के तो बस वो वहाँ से चली जाती है, ठीक है। अब वो बंदे जिसका जहाँ जहाँ पे रबता होता है, मोबाइल शोबाइल होते हैं, वो एक दूसरे से हेल्प करके, हेल्प ले के, तो वो बंदे से रबता करके, अपने एजेंट से रबता करके तो रिहाइश पे चले जाते हैं। अब एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर चले गए, बाहर जाके ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। जब तुर्की बंदा पहुँचता है ना, उसको उस तब पता लगता है कि असल अंदर कहानी क्या है। तो जब एजेंट की सेफ पे जाए, वहाँ पे वो जब हालात देखने को मिलते हैं, एक रिहाइश के ऊपर जो है वो 17-17 बंदे, 20-20 बंदे। हम जब गए थे तब तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन रिहाइश के अंदर फिर भी सर्दी नहीं थी लगती, कि बंदे ही इतने ज़्यादा थे कि हबस इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बाहर बर्फ़ भी पड़ रही हो तो अंदर नहीं सर्दी लगती। तो बस उसके बाद जो है, जिस बंदे ने ग्रीस जाना होता है, वो फिर एजेंट से बात करता है कि वो उससे डील करके कितने में हो जाएगा काम, तो वो फिर उसकी सेफ हाउस पे चले जाते हैं, वो उठा लेता है। उसके बाद वहाँ से जो है, अब क्योंकि इन शॉर्ट डंकी आपको बता रहा हूँ मैं, इसके बाद इसके अच्छे से व्लॉग, अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगा इन डिटेल, क्योंकि अभी इन शॉर्ट है। तो उसके बाद वहाँ से फिर वो जो जितने भी बंदों को उन्होंने निकालना हो, उन सब को वो इकट्ठा करते हैं, एक हाईएस्ट टाइप गाड़ी होती है उसके अंदर वो लोड करते हैं, उनको लोड करके तो फिर वो ले जाते हैं बॉर्डर पे। और बॉर्डर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे लेके जाके वहाँ पे अनलोड कर देते हैं। फिर वो 3-4 घंटे का सफ़र होता है नहर का, नहर जो बॉर्डर लाइन है तुर्की और ग्रीस की, अक्सर लोगों को पता होगा, वहाँ पे ले जाते हैं। फिर उनके पास वो बोट होती है हवा भरने वाली, जिसमें हवा भरते हैं, वो टीवी में भी देखी होगी आपने टेलीविज़न में, तो उसमें हवा भर के फिर वो उसके अंदर गुंजाइश होती है कि 5-7 बंदों की बैठने की इजीली बैठ सकते हैं। वो भी 5-7 बंदे अब हवा वाली बोट में तो नहीं बैठेंगे, वही 2-4 बंदे, लेकिन 12-14 बंदे, उनकी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी सारे बंदे नहर के उस पार कर लें। तो वो 12-14 बंदे उसके अंदर बिठा के, वो तो कश्ती के अंदर पानी आ रहा होता है, इतना उस पर वज़न डल गया होता है,
तो वो ज़रा सा इधर उधर हुआ नहीं तो वो गए नहीं। बड़े सारे वाक़ात आपने सुने भी होंगे खबरों में, न्यूज़ में, कि ऐसे बंदे डूब गए और ये हो गया और वो हो गया। तो बस वो जब नहर पार हो जाती है उसके बाद भी मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं, किसी बंदे का करीब होता है, किसी का दूर होता है। तो उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे का फिर सफ़र होता है जी, फिर वो पॉइंट पे। अब पॉइंट पे जब बंदा बैठ जाता है तो उसके बाद अगली गेम है जी टैक्सी की, कि टैक्सी जब आएगी उसके अंदर अपलोड करेंगे बंदे, और वो बंदे जो हैं वो सलोनिकी चले जाएंगे। सलोनिकी जो है वो सेफ जोन है ग्रीस का, जहाँ पर स्टे मिलता है, लेकिन अब आजकल वहाँ पर भी स्टे नहीं मिल रहा, वहाँ से डिपोर्टिंग है। तो वो जब टैक्सी के अंदर बिठाते हैं, टैक्सी के अंदर वैसे नहीं, डिक्की के अंदर 3-3, 4-4 पिछली सीट्स, क्योंकि वो ड्राइवर को पैसे मिलते हैं फ्री बंदे के, मतलब आई थिंक 700-800-1000 यूरो एक बंदे का मिलता है उसको। तो उसको कोशिश होती, उसकी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे में बिठा के ले जाऊँ, अंदर बेशक बंदे मर जाएँ, उन्होंने बस बंदे पहुँचाने होते हैं, उसके एक बंदे के पैसे लेने होते हैं। उस टैक्सी में जब बैठ जाते हो, वो टैक्सी पकड़ी ना जाए तो 5 से 7 घंटे में बंदा सलोनिकी पहुँच जाता है। सलोनिकी फिर उनका सेफ हाउस होता है, उसमें लेके जाते हैं, उसमें जाके पेमेंट्स करवाते हैं, पेमेंट्स करवा के फिर वो सलोनिकी अड्डे पे छोड़ देते हैं रात को। वहाँ से फिर जिस जिसने एथेंस के लिए रवाना होना हो, यानी ग्रीस में रहना हो, वो एथेंस के टिकट ले लेता है, उनसे वहाँ पे चला जाता है। जिस बंदे ने आगे जाना हो इटली की तरफ, वो फिर वहाँ से ही सलोनिकी में एजेंट से बात करके तो वो उसकी सेफ हाउस पर चला जाता है। तो ये एक चैनल है, बस वो साथ साथ आपको बताएँगे कि क्या क्या तरीक़ेकार है, कैसे ये सब कुछ करते हैं। और क्योंकि हमारा जो मकसद ये है कि रेफ्यूजीज़ जो लोग, जो बंदे हैं जो इलीगल आए हुए हैं या फिर जो इलीगल आना चाहते हैं, पहले तो जो सजेशन है वो यही है कि ना आए, लेकिन उनको गाइड करना कि कैसे जो है क्या मुश्किलात रास्ते में आ सकती हैं, क्या मामलात हो सकते हैं। तो बस आज की वीडियो इन शॉर्ट यही थी, इतना ही। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ना ख़त्म कर देंगे इसको, उसके बाद शुरू करेंगे इंटरव्यूज़ हो सकते हैं शुरू करें, क्योंकि मैं अब काम की तलाश में हूँ तो वीडियो थोड़ा लेट हो जाएँ, तो उसके लिए वीडियो लेट हो सकती है, लेकिन यह कि मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से ना दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो जो है वो अपलोड हो। तो बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, आपके प्यार का। तो अब मेरा एक दोस्त है अहमद मलिक, वो छोटा बच्चा है 13-14 साल का, तो वो कह रहा था कि लास्ट वीडियो में आपने इतने बंदों के नाम लिए, मेरा नहीं लिया। तो अहमद भाई आपसे प्यार है, आप हमारे छोटे भाई हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, आपको कामयाब करें। तो बस वो एक ना बस आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी कि कुछ लोग होते हैं कि जो कमेंट्स में गलत बातें करते हैं, तो मुझे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको देखने के बाद उसी वक्त डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे की जगह नहीं होती ना लिस्ट में, ना दिल में, ना ज़िंदगी में। तो मैं तो जानता भी नहीं मतलब होता कभी कभी। एक बंदे का कमेंट कोई इस तरह का आया था, तो वो मेरे ना कोई फेस फ्रेंड लिस्ट में बंदे थे, तो उन्होंने देखा वो कमेंट, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार ये ना बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आप लोग, मैं इग्नोर करता हूँ ऐसी चीज़ों को, तो आप लोग भी इग्नोर किया करें, कोई मसला नहीं। कोई बंदा बात कर देता, बंदा किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकता, तो बस ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अपने फ़ौमान में रखे जी, सबको अपने नेक मकसद में कामयाब करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करें। बड़ी कोशिश कर ली है, बड़ी खजल खराबी देख ली है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, बेहतरी की उम्मीद जो है बंदे को रखनी चाहिए। मेरे वाले साहब कहते हैं कि बंदे को जो है अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए हम हर वक्त जो है वो बुरे के लिए तो तैयार ही रहते हैं, लेकिन अब अल्लाह करे कि कोई इस तरह का काम ना ही हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भी जो है आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। आदिल गुमन, अल्लाह हाफिज़।